नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित अबर। आज हम एक प्राणायाम लेके आए हैं आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको करने की विधि और इसके लाभ, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। तो जो प्राणायाम है उसका नाम है कैबली प्राणायाम। तो इस तरीके से आप कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, पद्मासन, स्वास्तिकासन, सिद्धासन या आप सुखासन भी लगा सकते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, पीठ को सीधा रखेंगे, मेरुदंड सीधा रहेगा, गर्दन सीधी, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद रखेंगे। नाक से आपको गहरी सांस खींचना है, दोनों नथुनों से सांस को अंदर की ओर लेंगे और महसूस करेंगे सांस कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। और चक्रों के ऊपर आपको ध्यान लगाते हुए इसमें महसूस करना है कि कौन से चक्र को ये पार करते हुए सांस धीरे धीरे ऊपर चलती है और धीरे धीरे नीचे की ओर जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, गहरी सांस लेंगे तो अभी श्वास आपने अंदर की ओर खींची है, तो आप महसूस कीजिए कि मूलाधार चक्र से श्वास ऊपर की ओर आ रही है और अनाहत चक्र से होते हुए धीरे धीरे नासिक, जो नासिक है आपका नासिक छिद्र, वहाँ तक पहुँच रही है। अब धीरे धीरे जब सांस को आप बाहर की ओर छोड़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि अनाहत चक्र से होते हुए श्वास धीरे धीरे मूलाधार से फिर बाहर निकलते हुए आपको महसूस होगी। तो इस तरीके से आप करेंगे कैबली प्राणायाम का अभ्यास। इसमें आप महसूस भी कर सकते हैं कि जब आप सांस अंदर की ओर लेते हैं, पूरक करते हैं तो सो की आवाज़ आती है और जब आप रेचक करते हैं तो हम की आवाज़ आती है। तो इस तरीके से सो हम के साथ आपको महसूस करना है कैबली प्राणायाम। कैबली प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूरे श्वास के ऊपर डिपेंड है। जैसे आपने देखा होगा कि जो कुछ जीव हैं, जलीय जीव हैं और कुछ जानवर हैं जिनकी आयु बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि हाथी है, कछुआ है और सर्प, इनकी आयु मानव से ज़्यादा होती है। और वहीं पर आप देखेंगे कि कुत्ते की, भेड़िए की और चीते की जो है श्वास बहुत ज़्यादा तेज चलती है, तो इनकी उम्र कम होती है। क्यों? क्योंकि कछुआ है, सांप है और हाथी है, ये धीरे धीरे श्वास को लेते हैं। और वहीं पर कुत्ता है, शेर है, चीता है, ये श्वास को जल्दी खर्च करते हैं। तो इससे आपको पता चल रहा है कि किसकी आयु ज़्यादा है, क्यों। तो इसी तरीके से आपको भी अपने श्वास के ऊपर कंट्रोल करना है। अभी जैसे आप सांस ले रहे हैं 16 से 18 बार आप लेते हैं एक मिनट में, तो अभी आपको क्या करना है, श्वास को धीरे धीरे घटाना है। 14 लीजिए, 12 लीजिए, इस तरीके से आप धीरे धीरे श्वास का रेशियो कम करते जाएंगे, उतनी आपकी लंबी आयु होगी, उतने दिन आप स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।